उसे शिकायत कहेंगे। उसका कारण यह है कि जब वो नहीं जानते, जिसको नहीं जाने उसे माने कैसे? तो जिसको नहीं जानते उसके बारे में ऐसा कहा जा सकता है। और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय उनके विचार उनको कोई माने न माने, लेकिन उनके कर्तृत्व को जानना चाहिए जो कि देश नहीं जानता। नहीं जानता उसके अनेक कारण है, उन कारणों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय सार्वजनिक जीवन में उस समय आए जब 1937 से 1947 का दशक है, जब एक नौजवान कॉलेज से बाहर आता है और वह देखता है कि इस समय क्या हो रहा है। आप पाएंगे 1937 से 47 भारत की आजादी के आंदोलन में आजादी की बात नहीं होती है, बात यह होती है कि अंग्रेज ने समझाया था भारत तो कुछ है ही नहीं, भारत तो बहुत से लोगों का समूह है प्रकार प्रकार के, और इसलिए अंग्रेज जाएगा तो राज आएगा, तो राज कौन करेगा? हिंदू कितना करेगा, मुसलमान कितना करेगा, दलित कितना करेंगे, सवर्ण कितना करेंगे, अवर्ण कितना करेंगे। इसी बहस में उलझा था आजादी के आंदोलन का अंतिम दशक, और इसमें खड़ा था ये नौजवान जिसने कहा मैं इस बहस में शामिल होने को तैयार नहीं। ये गलत बहस है। भारत की पहचान भारत की पहचान है, वह हिंदू मुस्लिम की पहचान नहीं है, वह दलित सवर्ण की पहचान नहीं है, वह अवर्ण जाति की पहचान नहीं है। भारत विश्व का प्राचीन और महानतम देश है। इसलिए उस नौजवान ने तब दो उपन्यास लिखे, जगत गुरु शंकराचार्य और सम्राट चंद्रगुप्त, और उसने उन्होंने बोध पैदा किया भारत एक और एकात्म है। और उस वक्त जो चर्चा चल रही थी उस चर्चा का दुष्परिणाम हुआ भारत का विभाजन, और अखंड भारत की ध्वजा लेकर जो नौजवान आगे बढ़ा उसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और